अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हम दुबई के अंदर कटिंग कैसे करवाते हैं और इसकी कॉस्ट क्या है, पाकिस्तानी रुपीस में इसकी कॉस्ट क्या है। अभी एक्सचेंज पे थोड़ा सा काम है, हम एक्सचेंज पे चलते हैं तो देखें कितना रश है एक्सचेंज पे। पाकिस्तान का रेट देखें, ये सारे बैठे हैं वेले। तो गाइस ये फिलिपिनो सैलून है जहाँ से मैं कटिंग वगैरह करवाता हूँ। इसको मैंने समझा दिया है कि कैसे करनी है कटिंग। मेरे बालों का ये मसला है कि जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ना तो ये कर्ली हो जाते हैं। देर इज़ अ ऑयल, इट्स बेटर टू वॉश। यस, बिकॉज ऑफ डेंड्रफ। अब देखो स्ट्रेट हो गए हैं बॉल। तो गाइस ये हेयर कट हुआ है, तो बताना आप सबने कि कैसा हुआ है। थैंक यू। बाल हो गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं। तो आपको प्राइस बता दूं कि कितने की कटिंग हुई है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज जो है वो बाल बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है और इनकी केयर करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि गर्मी भी है और थोड़ी सी उलझन भी होती है बड़े बालों के साथ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैलून पे कटिंग करवाने। तो आज आपको ये भी दिखाते हैं कि हम दुबई के अंदर कटिंग कैसे करवाते हैं और इसकी कॉस्ट क्या है, पाकिस्तानी रुपीस में इसकी कॉस्ट क्या है। तो ये सारा आपको बताएंगे आज। तो साथ ही अरेंज करना, अभी एक्सचेंज पे थोड़ा सा काम है किधर। हाँ अभी ये, अभी हम एक्सचेंज पे चलते हैं तो देखें कितना रश है एक्सचेंज पे। पाकिस्तान का रेट देखें क्या चल रहा है। एक्सचेंज से फ्री हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सैलून वाली साइड पे। यहाँ पर पाकिस्तानी सैलून्स भी हैं और फिलिपिनोज के भी सैलून हैं, लेकिन जो स्टार्ट है स्टार्ट में तो मैं किधर जा रहे हैं, जहाँ से मैं करवाता हूँ कटिंग तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे बैठे हैं वेले। तो गाइस ये फिलिपिनो सैलून है जहाँ से मैं कटिंग वगैरह करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी कॉस्ट है यहाँ पर कटिंग करवाने की और ये कैसी कटिंग करते हैं। ये कटिंग में बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से यहाँ से करवाते हैं। तो गाइस इसको मैंने समझा दिया है कि कैसे करनी है कटिंग। मेरे बालों का ये मसला है कि जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ना तो ये कर्ली हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे कर्ली नहीं है लेकिन ये कर्ली हो जाते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं। तो अभी देखना, मैं हेयर कट करवाऊँगा तो देखना किस तरह स्ट्रेट हो जाते। ऑयलिंग मैंने की हुई है। देर इज़ अ ऑयल, इट्स बेटर टू वॉश। Yes, because of dandruff. Also, oil is not proven for dandruff. For dandruff, because the In my country, we use oil for dandruff. Yes. It's yours. तो ये इनमें स्पेशलिटी है, हेयर कटिंग ये बहुत अच्छी लगती है। पकड़ा रहे हैं।
Wala ka, ako din kumalis ka dito talaga. Kasi ito na pag-i-pick naman dito. कैंची वाला कोई सीन नहीं है, सारी कटिंग मशीन से ही करते हैं। दोनों साइडों से कर दिए, अब ये करेगी पीछे से कटिंग। अप अ लिटिल बिट फ्रॉम द टॉप। ओके A little bit more. अब देखो स्ट्रेट हो गया बॉल। This is good for straight, more straight. More straight? Yeah. And your hair. It's been a long time, help. That's why. तो गाइस ये हेयर कट हुआ है, तो बताना आप सब ने कैसा हुआ है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये बियर्ड जो है ना, ये यू डोंट डू बियर्ड राइट या तो ये बियर्ड का काम नहीं करते, तो इस वजह से हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वगैरह रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, पाकिस्तानी बार्बर के पास जाके हम करवाएंगे या खुद कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये सिर्फ कटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो इनको कटिंग आती है बस। देखा जैसे ही बाल छोटे हुए हैं तो ये स्ट्रेट भी हो गए हैं। थैंक यू। पाकिस्तान टू मच फिलीपींस इन दुबई No. Wow. Nice. Nice toy. Thank you. गाइस ये फाइनल लुक है हमारी, तो आपने बताना है कि कैसी हुई है। ठीक है गाइस, ये उसने कटिंग की है और अभी थोड़े से हल्के बाल हो गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, तो गर्मी में छोटे ही सही लगते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाएं तो फिर आवाज़दारी होती है। तो ये आज का व्लॉग था, तो आपको प्राइस बता दूं कि कितने की कटिंग हुई है। तकरीबन
इनका वैसे जो प्राइस है ना कटिंग का वो है 20, लेकिन जो एक्स्ट्रा वॉश वगैरह करके या वो फ्रेश करके, लेकिन मैंने दिए 35, तो अराउंड ये पाकिस्तानी बनते हैं 2500 या 3000 बनता है। तो इधर 5 दिरहम की भी कटिंग हो जाती है, लेकिन उसका मतलब के स्टैंडर्ड और होता है। तो मुझे वैसे इनकी अच्छी लगती है फिलिपिनियों की, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है कटिंग में, तो इसलिए मैं इधर से करवाता हूँ। तो बियर्ड वगैरह नहीं करते, तो बियर्ड कभी कभी मैं खुद कर लेता हूँ या कभी पाकिस्तानी बंदे से करवा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है? तो अभी मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। बाय, अल्लाह हाफिज़।